झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, बहुत चालाक लड़की है, इसीलिए तो इस घर की बहू बनी है, वरना वो इस लायक है कि दानियाल जैसा लड़का उसे मिलता? बिया झूठ नहीं बोल रही है मामा, कसूरवार दानियाल है, खुदा को भी इस बात का यकीन था, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है। क्या मतलब? खुदा से तुम्हारी बात हुई है? कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं मामा प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए एक औरत होने की हैसियत से सोच सकती हैं? क्या कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम कर सकती है? या कोई लड़की अपनी इस तरह से शादी करवा सकती है? क्या हो गया आपको? वो गरीब और चालाक औरतें हैं, वो ऐसा कर सकती हैं। तुम भी अपनी बाप की तरह उनकी बातों में आ गई हो। अपने भाई पर तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है? बहन होने के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ और इस वक्त अच्छी तरह अंदाजा लगा सकती हूँ कि बिया इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही है। और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, वरना एक साथ दो दो घर उजड़ेंगे। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? जिस लड़की के वलीमे वाले दिन उसके भाई की अचानक निकाह की इतला आ जाए, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा होगा। काशिफ तो बहुत बड़ा लिखा है, वो ऐसे कैसे कह सकता है? है तो इसी सोसाइटी का मर्द ना मामा, कुछ मुआशरे में लोग उससे सवाल करेंगे तो उसको इंसल्ट फील होगी, एम्बैरेसमेंट होगी उसे। वैसे हैरत हो रही है मुझे उसकी सोच पर। मामा बात काशिफ की सोच की नहीं है, कसूरवार दानियाल है, पर आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा कि उसी की वजह से हम सबकी जगह घसाई हो रही है? आप प्लीज भैया के साथ अपना रवैया ठीक करें ताकि हमारे लिए आसानी हो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। परेशान कैसी नहीं हूँ मामा, आपको अंदाजा है कि मेरे ससुराल से 10 फोन आ चुके हैं, हर एक के लबों पर एक ही सवाल है कि हुदा घर छोड़कर क्यों गई, दानियाल का अचानक से निकाह क्यों हो गया, और अगर अब इस सब में आप उनकी तलाक का सोचेंगी तो एक नया महाज खुल जाएगा। मामा बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, हमारे लिए अब यही अच्छा होगा कि जो जैसे है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बड़े साहब, वो जैद साहब और उनकी बेगम आई हैं। जैद भाई? यूं अचानक? वो तो ब्रॉड गए हुए थे। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। रमीन जी, तुम भी मेरे साथ हो। मैं आती हूँ, चलिए।